मार्च रखा था यहाँ से श्याम बाजार के लिए। हम लोग का टाइम यहाँ से 11 बजे जाने का था, बट बाहर बहुत बड़ा ग्रुप था लोगों का जो कि प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो कि नारे तो ऐसे ही लगा रहे थे वी वांट जस्टिस, और सबके कहने के बाद भी और देखा कि वो लोग वहाँ से मूव नहीं कर रहे थे, जा नहीं रहे थे, बहुत सारा मॉब इकट्ठा हो रहा था, 1 घंटा हो गया 1.5 घंटा हो गया, बहुत देर तक वो लोग बाहर थे, और पुलिस एकदम भी कुछ भी उनको अपनी वहाँ जगह से आगे नहीं बढ़ा पा रही थी, और हम लोग देख पा रहे थे जो भी वो मॉब था, जो भी था उनका गुस्सा और वो सब, और वो कोशिश कर रहे थे अंदर आने की। एकदम से सडनली जैसे ही ये हुआ, एक एक करके या कुछ करके लोग आए और सब लोगों ने तोड़ फोड़ करके अंदर घुसना स्टार्ट किया। उससे पहले ही हम लोगों ने जो हम लोग की फीमेल जो पूरी टीम थी और जो पूरी रैली थी उनको हम लोगों ने दूसरी जगह जाने के लिए बोल दिया था, और उनके जाने के तुरंत बाद ही यहाँ पे सारे जितना भी ये बैरिकेड लगे ये सब तोड़ के वो लोग अंदर घुस गए, और आके हम लोग सच में अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागे। हर कोई कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर छुप रहा है, कोई इधर छुप रहा है, और उसके बाद आप लोग देख ही रहे हैं ये क्या कर रहे हैं। ये सब लोग भूल क्यों जा रहे हैं कि हम लोग किस चीज के लिए यहाँ पे आए, किस चीज के लिए कर रहे हैं। हम लोग इतना पीसफुली यहाँ पे बैठ के कर रहे हैं, एक पीसफुल मार्च स्टार्ट किया था, उसमें भी बाहर से आके लोग ये सब कर रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मतलब जो लोग देख रहे हैं वो लोग बताइए कि क्यों हो रहा है ऐसा, देख रहे हैं यहाँ की क्या हालत की है, इमरजेंसी वार्ड की क्या हालत की है। नहीं, जितना हम लोगों को खबर मिली है उसे यही है कि सेमिनार हॉल तक कुछ वो लोग नहीं पहुंच पाए, और सेकंड फ्लोर तक ही थे वो लोग। खराब भी होगा, प्रोटेस्ट हम लोग भी करेंगे, मार भी हम लोग खाएंगे, उधर स्कूल कोथा घूरे बढ़ाचे कितनी मेहनत से कहा से लाके कहा से किया। इन सब सारी चीजों में कोई मतलब किसी को याद भी है क्यों क्यों है हम लोग यहाँ पे, किसी को भी याद है? इतना पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, इतनी सारी चीजों हम लोग सिर्फ डिमांड कर रहे हैं जस्टिस के लिए, सब कुछ तोड़ दिया, लेट एंड हो रहा है अब तो, क्या बोलेंगे, लोगों को मार रही है, क्या हो रही है? मतलब बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है। हम लोगों को जो चाहिए एक रिटर्न एक्सप्लेनेशन, प्रॉपर रिटर्न एक्सप्लेनेशन, एपोलॉजी, रिटर्न एपोलॉजी, एंड हु विल बी द रिस्पॉन्सिबल इफ ए सिंगल पर्सन आर इफ ए सिंगल पर्सन इज इंजर्ड, वो भी रिटर्न में चाहिए। एंड कल रात को जो जो स्टाफ हम लोग के ड्यूटी किया था नाइट ड्यूटी, वेदर इट इज नर्स और डॉक्टर, उन लोग के साथ जो भी हुआ है उसका दाई मतलब उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? इस सब चीज का हम लोग को रिटर्न एक्सप्लेनेशन चाहिए विथ एपोलॉजी। हम लोग पूरा वेस्ट बंगाल पूरा वर्ल्ड जानता है, कल रात हम लोग का एक लाइन था, मेरा रात दखल करो, जेकने कातारे का जहाँ पे का, मतलब थाउजेंड लाख नारिया वो लोग लड़कियां वो लोग रास्ते में थे, वो नहीं आ सकते थे क्या? ठीक है वो बराबर मतलब फिर मिडनाइट में नहीं आ सकते थे, लेकिन उसके बाद आते वो नहीं आए। सुचिस्मिता मजुमदार, सुचिस्मिता मजुमदार, नर्सिंग ऑफिसर। बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं, एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटेड, एक्सट्रीमली हर्ट। हम लोग यहाँ सुबह से वेट कर रहे हैं, सब लोग, स्टाफ, नर्स, डॉक्टर, सब लोग, और उन्होंने जो कहा आप सबने सुना, द फर्स्ट रीजन दैट शी गेव दैट कि वो एक महिला है और सिक्योरिटी रीजन के लिए वो यहाँ नहीं थी। जब दूसरी बार उन्हें क्वेश्चन किया गया तब उन्होंने कहा कि उनके पास वाहन नहीं था आने का, तो वो चलकर नहीं आ सकती थी, तो हर सेकंड, हर मिनट उनका आंसर चेंज कर रहा है, और थर्ड आंसर था कि अगर आप लोग बात नहीं करेंगे तो मैं अंदर जा रही हूँ, और माइक्रोफोन हटा के वो अंदर चली गई। हमारा प्रोटेस्ट जारी रहेगा,
और हमें आंसर्स चाहिए, हम यहीं रहेंगे, हमें आंसर्स चाहिए और हमारा प्रोटेस्ट जारी रहेगा जब तक हमें जस्टिस नहीं मिलता। नहीं, जब तक हमें आंसर्स नहीं मिलता तब तक नहीं। देखिए कल जो हुआ वो आप सबको पता है, जो भी यहाँ पे जो नारकीय कांड हुआ है उस सबको पता है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे ड्यूटी करने से डर रहे, हम लोगों को सेफ्टी चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के बगैर हम काम नहीं कर पाएंगे। हम कर रहे हैं, अभी भी ड्यूटी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वार्ड को छोड़ के, ऐसे अकेले छोड़ के, पेशेंट लोग को छोड़ के हम लोग आ गए, ऐसा नहीं है। पेशेंट लोग के पास भी हमारे नर्सिंग स्टाफ है और हम लोग यहाँ पे ये धरना कर रहे हैं, ये सब लिख के रखे है। और हम लोग मैडम को बोले है, जो प्रिंसिपल है उनको बोले है कि हम लोग को प्रॉपर सिक्योरिटी एंड सेफ्टी दीजिए, वरना हम लोग ड्यूटी नहीं कर पाएंगे। उनके तरफ से बोला गया है कि वो लोग दूसरे हॉस्पिटल से लोन करके सिक्योरिटी लाएंगे। तो ये हम सिक्योरिटी में बोला है सिविक पुलिस लाएंगे, तो ये हम लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। ये हम लोग का डिमांड नहीं है, हम लोग सीआरपीएफ मांग रहे हैं। डिमांड वही है कि प्रॉपर सिक्योरिटी चाहिए, सिविक पुलिस से कुछ नहीं होता है। वो लोग अंदर से ताला बंद कर दिए तो हम लोग भी बाहर से ताला बंद कर दिए कि हम लोग से वो डर रहे, तो हम लोग भी उनको बोल रहे हैं कि अगर हम लोगों से उनको खतरा है तो उन लोगों से भी हमको खतरा है, इसलिए हम लोग भी बंद कर दिए उनको। देखते हैं क्या होता है। नहीं, हाँ, मैं आरजी कौर की नर्स हूँ, ठीक है। खराब भी होगा, प्रोटेस्ट हम लोग भी करेंगे, मार भी हम लोग खाएंगे। उधर गुनी घूर कोथा घूरे बेड़ा, कितनी मेहनत से कहा से लाके कहा से किया। इन सब सारी चीजों में कोई मतलब किसी को याद भी है क्यों क्यों है हम लोग यहाँ पे? किसी को भी याद है? इतना पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, इतनी सारी चीजों हम लोग सिर्फ डिमांड कर रहे हैं जस्टिस के लिए, सब कुछ तोड़ दिया। लेट एंड हो रहा है अब तो, क्या बोलेंगे? लोगों को मार रही है, क्या हो रही है? अगर एक्शन करते तो कांगड़ा भेंगे पूरे।